तो 5.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट जो आज हम करने जा रहे हैं वो है 5.3। तो 5.3 के अंदर जो भी आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रॉब्लम मैंने दिखा रखी है आपको, इसमें सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपके समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित आएंगे। तो योगफल के लिए क्या दो फॉर्मूले बताए मैंने, एक तो बताया एस एन बराबर एन बटा दो ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, और एक बताया मैंने एस एन बराबर एन बटा दो ब्रैकेट में टू ए प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट बंद और इंटू डी और ब्रैकेट कर दो बंद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूला थे। तो पहला जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे जब आपको प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ तब वो डायरेक्ट वो लगा देंगे, और जब आपको पूरी श्रेणी दे रखी है तो आपको एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें दो 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 तीन तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक ही क्वेश्चन इसके कर लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसमें एक श्रेणी दे रखी है और आपको योगफल पूछा है, तो इसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसका एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसका हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर क्या दिया हुआ, देखो इसमें श्रेणी दे रखी है आपको एक बटा पंद्रह एक बटा बारह एक बटा दस और डॉट 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 करके श्रेणी बना के, और आपको लिखा है ग्यारह पदों तक का योगफल। ये था आपके क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, सबसे पहले ग्यारह पदों का योगफल, तो इसमें क्या क्या दिया आपको देखो, सबसे पहले ये दे रखा है तो हम लिखते हैं यहाँ प्रथम पद ए बराबर एक बटा पंद्रह, फिर हमें क्या दे रखा है सार्वअंतर, तो हम लिख दो सार्वअंतर, इनिशियल टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस डी कितना है आपके सार्वअंतर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है एक बटा बारह, ए वन कितना है एक बटा पंद्रह, एलसीएम लिया कितना आ गया साठ, बार बंदी साठ बार चौके तो एक बटा कितना आ गया आपके एक बटा साठ, ये आपके आगे डी, ए पता है डी पता है, ग्यारह पदों के योगफल, इसका मतलब एन क्या हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको दे रखी n बराबर 11। अब आपको इसने योगफल पूछा है तो हम यहां लिख देंगे ap के n पदों का योगफल, और लगा दो n पदों के योगफल का sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 t। ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि तुम्हें ना इसमें सार्वअंतर a d और m तीनों दे रखे हैं तो ये लगेगा, अगर अंतिम पद देते तो आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। अब इसमें मान रख दो सकते एन कितना आपके पास बताओ 11 बटा 2, 2 ए कितना हमारे पास बताओ 1 बटा 15 प्लस एन माइनस 1 कितना वापस 11 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास 1 बटा 60। जब इसको सरल करेंगे तो ऊपर तो कितना है एस 11 बराबर 11 बटा 2 इंटू यहाँ कितना है 2 बटा 15 यहाँ लिखो 2 बटा 15 प्लस यहाँ पर देखो 11 में से 1 है 10 तो कितना हो गया 10 बटा 60। अब 11 बटा 2 थे हमारे पास यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम 60 कितने का घटा 4 4 दूनी 8 और प्लस का 10 हमारे पास आ गया ऊपर तो 11 बटा 2 इधर आ गया 18 बटा 60 इससे घट रहा देखो 6 के पांच घट रहा है 6 3 18 10 संगी 60 तो हमारे ऊपर आ गया 33 और नीचे आ गया 20 ये आपके आगे ऐसे गया। तो 11 पदों का जो योगफल है 11 पदों का योगफल बराबर 33 बटा 20 और दिक्कत बताओ इसमें श्रेणी दे रखी थी एन दे रखा था योगफल पूछा है आपने ए और डी निकाल लिया एन दे रखा है 11 है एपी का फॉर्मूला लगा दिया एन पदों योगफल वाला एस एन का फॉर्मूला लगा के मान रखे एकदम इजी से सॉल्व कर कोई दिक्कत नहीं इसमें कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन दे रखे तीनों के एक टाइप थी बट्टा वाला मैंने करा दिया आपके ओके। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसमें आपकी क्या देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने एक श्रेणी दे रखी है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो क्वेश्चन दिए हैं तो मैं सेकंड का तुम्हारे ना सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक तो 7 है एक प्लस का 10 से 1 बटा 2 है और प्लस का आ गया 14
और करके प्लस डॉट 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 करके लास्ट मार्क रख दिया प्लस 84। और आपको इसमें क्या क्या है, योगफल ज्ञात करो। क्या करना है आपको, योगफल ऐसे ज्ञात करना है, योगफल, ठीक है। तो सर इसमें आपको क्या क्या दिया, देखो ए दे दिया, डीएम निकाल लेंगे, और ये 84 दिया ना, ये क्या दिया आपको 84, ये दिया अंतिम पद। तो हम लोग सबसे यहाँ लिख देंगे प्रथम पद कितना है हमारे पास, देखो प्रथम पद n बराबर a बराबर 7, फिर सार्व अंतर कितना, देखो सार्व अंतर d बराबर आपका a2 माइनस a1, a2 एक्चुअल क्या है 10 × 20 एक 21/2, और माइनस क्या क्या 7 2 लसब 21 − 14, तो कितना आ गया आपके 7/2, ये आपका क्या डी। और जो 84 है ना वो अंतिम पद ए एन है 84, तो आपको ए पता है, आपको एन पता है, आपको डी पता है, अपना आप ऐसे निकाल सकते हो। और इसमें एन वगैरह कुछ दे रखा है, देखो एन पहले आपको निकालना पड़ेगा, चलो जी ठीक है। अब अंतिम पद वाला हमें ए डी और एन पता है, तो पहले अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाकर आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, तभी आपका वो पद उपयोग कराएगा। तो हम लिखेंगे एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन माइनस वन फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना, डी कितना है 7/2। जब भी एन ज्ञात करना, इनका कभी भी गुणा मत करना, एडिट रखो एन माइनस वन इंटू क्या है 7/2, ये 7 इधर आया, तो 84 में 7 क्या हो गया, घट गया, कितना बचा 77, ठीक है। और ये n माइनस वन था ही हमारे पास, ये 7/2 उधर गया, तो 2 तो ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, डिवाइड में जाएगा ना उधर, तो कितनी बार कट गया ये, तो 11, इसका मतलब n माइनस वन है ना वो कितना आ गया 22, तो n कितना आ गया आपके बताओ, n बराबर 22 प्लस 1, इट मीन्स n बराबर 23, ये आपके आ गया n का मान। अब हमें n भी पता चल गया कि पदों की संख्या कितनी है बताओ, पदों की संख्या एन बराबर 23, कितना है आपके एन बराबर 23। अब आप एस एन का लगा सकते फॉर्मूला, टीपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा आपके एस एन बराबर एन बटा 2, और फिर ए प्लस ए एन वाला लगा दो, इसमें 2 ए वाला बड़ा वाला लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आप अंतिम पद दिया हुआ यहाँ पर, तो आप क्यों 2 ए प्लस एन माइनस डी करके डबल माता बची कर दो, ये एन दोनों दे रखे इसलिए लगा दो। अब एन कितना हमारे पास 23/2, ए हमारे पास कितना है 7, और ए एन कितना है 84, इसका 23/2 तो ये है, और ये कितने हो जाएंगे 91। अब 91 हम काटेंगे इसको, तो ये कितने आ गए 45.5। अब 45.5 को हम क्या कर देंगे आपके 23 से गुणा कर, 23 से 45.5 को गुणा करेंगे तो कितना गया 5 × 3 15 1 × 5 15 16 1 × 5 13 5 × 10 10 × 11 8 9 5 6 4 और 9 10, मतलब 1 के बाद कुल, तो 1046.5 क्या गया आपका एच 23। तो 23 पदों के जो योगफल है वो कितना है आपके पास 1046.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या था एक्चुअल में, आपको श्रेणी दे रखी है और अंतिम पद दे रखा है, एन नहीं दिया इसने, क्योंकि एन की बजाय निकलेगा नहीं एस एन, तो एन निकालने के लिए हम लोग पहले अंतिम पद वाला फॉर्म लगाएंगे, उस एन आएगा, और फिर एन के बाद हम योगफल वाला फॉर्म लगाएंगे एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला लगाकर, और आप इस तरह से एस एन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड गए हो गए सेकंड, उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड है, उसमें आपको क्या दे रखा है, देखो थर्ड में 2 क्वेश्चन दिए आपके, एक करवा देते हैं हम इसमें से भी, बाकी सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, एक करवाएंगे दूसरा सेम ही है, वो आप एस डब्ल्यू कर लेना आप उसको, ये क्लास वर्क में कर, जो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पे वो सारे किसमें करने हैं आपको, क्लास वर्क में करने, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट देखो थर्ड वन, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है, बुक में देखो आप अपनी बुक में क्वेश्चन क्या है, ओके
तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके है, इसमें क्या क्या दिया है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन में आपको इसने एक श्रेणी दे दी और आपको इसको योगफल दे दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में? 9 है, 17 है और 25 है। और इसने ये बोला है कि योगफल जो है ना, योगफल वो आपको दे रखा है 636। ओके, तो उसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो आपको क्या क्या दिया हुआ। देखो ए दिया हुआ है, सार्वत्रिक दिया हुआ है, एसएन दिया है। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? देखो सबसे पहले लिखो प्रथम पद, प्रथम ए बराबर 9, फिर लिख दो सार्वत्रिक डी बराबर 17 माइनस 9, कितने हो गए? 8, 9, 17। ओके, फिर एसएन दे रखा आपको कितना है ये, तो ये आपको इतनी सारी चीज दे दी इसने, ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, एसएन दे दिया। अब लगाओ आप उसमें फॉर्मूला लगाओ, तो हम एपी का एन पद, एपी का एन पदों का योगफल एसएन बराबर एन अपॉन टू, यहाँ लगा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखो सारे मान, ये कितना है 336, एन कितना आपके पास एन अपॉन टू, एन ही पता हमें फाइंड आउट करना है। 2a कितना हमारे पास 9, और एन कितना वापस एन माइनस 1, और डी कितना आपको 8 दिया हुआ। अब इसको सरल करना आपको, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू। इससे यही पूछाएगा आप इसमें कितने पद होंगे, अगर योगफल 636 है ना, इस श्रेणी में कितने पद होंगे, तो एन निकालना आपको। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे रखो, एन बटा टू रखो, इन दोनों में ना बार क्या आ रहा है, देखो 2 × 9 एन माइनस 8 इसको 2 बार आ रहा है, तो ध्यान क्या बचा 9, और यहाँ क्या बचा 4, और ब्रैकेट में एन माइनस 1, ये 2 × 2 कटा नहीं कटा, ये 36, इधर भी जैसे आया, इधर देखो एन भी बार है, यहाँ क्या बचा 1 × 9, और एक हो गया 4n-4, इसका मतलब एन तो ही कितना बच गया 4n, एक हो गया 5 और एक प्लस का 4n, इधर कितना है 636, जब इसको ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस का 4n2। अब इसमें है ना इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, देखो एन स्क्वायर एन और अचर पद, तो इसको हम उधर जाएंगे, हमारे पास क्या हो गया 4n2 प्लस का 5n और माइनस 36 बराबर 0। अब तुम्हें इनके आपके स्प्लिट करने, टुकड़े करने, त्रिपद बनाने, तो हम 636 लिख दो, इधर 4 लिख दो, पहले टुकड़े करो 4 के, देखो 2 हो गया, अब 636 के करेंगे तो 1 × 2 हो गया, 1 हो गया 318, फिर 2 × 2 × 2 थी हमारे पास 318, 2 बार और कर दिया तो कितने हो गए 159, फिर 2 × 2 × 2 × 2 थी हमारे पास 159, करो 3 से 1 हो गया 5 × 3 = 3, 3 × 9, इसका मतलब 1 × 53 हो गया, 1 × 2 कितना हो गया देखो, इसमें 2 × 2 = 4, 8 × 4 = 48, इसका मतलब 53 और 48 से हम है ना 5 ला सकते, बीच वाले को 5 है ना, देखो हम लोग क्या करें, इसके स्प्लिट देखो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n और माइनस का 63। अब हमारे पास n बाहर निकाला तो हमारे पास आ गया 4n प्लस 53, इधर निकाला हमने बाहर 12, तो हमारे पास कितना आ गया 4n प्लस 53 बराबर क्या चल रहा है 0। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो आ गई n माइनस 12 और दूसरी आ गई 4n प्लस 53, और इन दोनों के बराबर क्या 0, मतलब ये दोनों के बराबर 0 है, तो हम इसमें ये लिखेंगे या तो, और दूसरा लिखेंगे या फिर, तो या तो में क्या होगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना होगा 12, तो 12 हो सकता है, या फिर में क्या है 4x प्लस 53 बराबर 0 है, तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर कितना हो गया माइनस 53/4, तो ये जो है ना माइनस में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं अग्राह्य संख्या, क्या कहेंगे हम अग्राह्य संख्या है। ओके, और तो इसका मतलब n कितना आ गया पदों की संख्या, आपके पदों की संख्या n बराबर 12। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें योगफल दे देता है ना आपको n निकालना है, तो सभी के लिए यही तरीका है। थोड़ा सा ये जो स्पिट करते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज हमने ये केस सवाल आपके तीन, ठीक है, नेक्स्ट जो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, करेंगे।
अब इसके सवाल जो भी बचे हुए हैं एक एक मैंने कराए, आप एक एक और दिए होंगे आपको, तो वो आज जाके ट्राई करना। ओके, थैंक यू।